साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने कलम अपने चैनल पर। दोस्तों, दो बिंदुओं पर आज हम बात करेंगे। कितने फॉर्म किस किस सब्जेक्ट से किस आधार पर हम लगा सकते हैं, अंतिम फॉर्म किस प्रकार से मान्य होगा, एक बात तो वो, किस किस सब्जेक्ट से हम कितने फॉर्म लगा सकते हैं वो बात, फॉर्म में मिस्टेक हो गई है, को गलती हो गई है, किस प्रकार से हम नया फॉर्म लगाएँ, क्या होगा, क्या प्रक्रिया होगी, ये पूरी बात इस वीडियो में हम आराम से करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी एक बार लाइक कर दें, शेयर कर दें सभी के साथ, जो भी आप ग्रुप में जुड़े हैं, आपके साथ ही जो भी भाई बहन फॉर्म भर रहे हैं या कुछ गलतियां हो गई है या इससे कन्फ्यूज चल रहा है फॉर्म को लेकर, सब्जेक्ट को लेकर, और आप अभी तक चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। एक छोटी सी सूचना आप सभी को सूचित कर दूँ कि जो नई रीट की तैयारी करने वाले हैं जो साथी, वो अभी जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, और विशेष वीडियो रणनीति वाले आने वाले हैं कि सब्जेक्ट की किस प्रकार से तैयारी करनी है, कौन सी किताबें पढ़नी हैं, आरबीएससी एनसीईआरटी जो भी, उसके अलावा मनोविज्ञान श्री रामजी सर क्लास अब दो दिनों के अंदर मेरे हिसाब से आ जाएगी, दो दिन या तीन दिन लास्ट लगेंगे, पूरा हम स्टार्ट करने वाले हैं, मनोविज्ञान की क्लासें स्टार्ट होने वाली है रेगुलर, और उसके अलावा हिंदी की 13-14 क्लासें हो चुकी हैं, थोड़ा बिजी इस मामले में होने के कारण क्लासें नहीं आ पाई। आप अभी तक पिछली क्लासेस से नहीं जुड़े हैं हिंदी की तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, या जो पहला कमेंट है उसमें लिंक दे दूंगा मैं, उस लिंक से आप उस प्लेलिस्ट से जुड़ सकते हैं, निःशुल्क हिंदी बेस नाम से चल रहा है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी और मनोविज्ञान की आपको मिल जाएगी। उसके अलावा संस्कृत की आप देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर आपको सर्च करना है संस्कृत बाय राम सर। ठीक है, संस्कृत बाय राम सर आपको सर्च करना है, आराम से आपको पूरे डिटेल से 15-20 मिनट का एक टॉपिक के वीडियो माध्यम से मिलने वाला है, 50 वीडियो के माध्यम से पूरा लगभग कोर्स हो जाएगा। उसके अलावा देखिए, बात करें शुरू करें उससे पहले आप इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे रामता सेशन नाम से आईडी है और टेलीग्राम पे अपनी कलम अपने नाम से पूरा एक चैनल बना हुआ है, टेलीग्राम पे जाकर सर्च कर सकते हैं अपनी कलम अपने आवाज, वहाँ पे लगभग 14-15 हज़ार अभ्यर्थी जुड़ चुके हैं, आप भी वहाँ पे सर्च करके जुड़ सकते हैं अपनी कलम अपनी आवाज़। ठीक है साथियों, शुरू कर रहे हैं, कितने फॉर्म भर सकते हैं देखिए, पूरी बात आराम से करेंगे, फॉर्म मिस्टेक को लेकर या कितने फॉर्म भर सकते हैं, कितने फॉर्म हम लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेवल वन की, लेवल वन TSP और नॉन TSP। अब आप सभी को बता होगा नॉन TSP TSP एरिया क्या है। ठीक है, तो जो TSP एरिया विशेष रूप से बांटे हुए हैं जिले, ठीक है, उसमें जो अभ्यर्थी आते हैं उनके जो अलग पद आते हैं, ठीक है, TSP एरिया के अलग पद आते हैं, उन पदों में जो जहाँ के वो निवासी होते हैं TSP एरिया के, वही अभ्यर्थी वहाँ के लिए योग्य होते हैं, उन्हीं के लिए वो पद आते हैं। ठीक है, तो TSP के पद हमारे विज्ञप्ति में अलग आए हुए हैं, उनके लिए केवल TSP वाले ही फॉर्म लगा सकते हैं, और नॉन TSP में जो पद आते हैं वो सब के लिए हैं, उसमें TSP वाले नॉन TSP वाले सब अप्लाई कर सकते हैं। अब बात सबसे पहले मैं TSP की करूँ तो TSP वालों को TSP एरिया के लिए अलग फॉर्म भरना पड़ेगा, जैसे लेवल वन की बात हो जाए लेवल टू की बात हो, TSP से आप लगा रहे हैं, आप TSP के रहने वाले हैं तो TSP का आपको अलग फॉर्म भरना पड़ेगा और नॉन TSP का आपको अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। एक सब्जेक्ट की बात हो, लेवल वन की बात हो, लेवल टू में जैसे आपको SST का फॉर्म लगाना है तो आप TSP एरिया से हैं तो आपको TSP का और नॉन TSP का दोनों SST का अलग अलग फॉर्म लगाना पड़ेगा। आपकी स्नातक में SST और भाषा जैसे हिंदी संस्कृत आदि रही है साहित्य 3 साल तक, तो आपको TSP का जैसे स्नातक अलग लगा दिया और नॉन TSP का स्नातक SST का अलग लगा दिया, TSP का आप भाषा का अलग लगा दिया, नॉन TSP भाषा का, ये केवल TSP की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब बात करें नॉन TSP के जो अभ्यर्थी हैं उनको लेवल वन का है वो एक फॉर्म लगेगा, आराम से आप लगा सकते हैं केवल नॉन TSP के जो पद हैं उस आधार पे। ठीक है, लेवल वन का एक फॉर्म आप लगा दीजिए, TSP वाले हैं तो दो फॉर्म लगाना पड़ेगा, TSP का और नॉन TSP का अलग अलग। तो ये बात हो गई पूरी TSP नॉन TSP की, यहीं पे बात पूरी हो जाती है, ये आप सभी को पता भी होगा TSP वालों को, ये केवल TSP वालों के लिए थी, नॉन TSP वालों को लेवल वन का एक लगा दिया। अब लेवल टू की बात करें तो लेवल टू की और लेवल वन की TSP के लिए सभी में उसी प्रकार से होगा दो फॉर्म, और लेवल टू अब नॉन TSP बात करें, देखिए आप नॉन TSP पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं नॉन TSP से हैं तो देखिए, गणित विज्ञान आप एक फॉर्म, आपके स्नातक में गणित विज्ञान साइंस में से आप हैं तो आप एक फॉर्म लगा सकते हैं गणित विज्ञान का। ठीक है, एडिशनल अब की बार हटा दिया है, ऑप्शन नहीं है, आगे क्या होता है सुनवाई किस आधार पर होती है, वो यदि ऑप्शन आता है तो फॉर्म भरवा देंगे वरना नहीं होगा। स्नातक विषय, अब देखिए स्नातक में आपके आर्ट्स या कॉमर्स है तो सीधी सी बात पहले कॉमर्स की कर लेते हैं, कॉमर्स से आप हैं तो केवल आपका SST से फॉर्म लगेगा, किससे फॉर्म लगेगा, SST से फॉर्म एक लग जाएगा। ठीक है, उस आधार पर बात करें आर्ट्स में आपके अलग अलग सब्जेक्ट हैं, ठीक है, छोटी सी बात कर रहे हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण भी है, ऐसे कमेंट आ चुके हैं, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा कमेंट आया है कि सर मैंने SST का लगा दिया है, अब मैं हिंदी से लगा सकती हूँ या नहीं लगा सकती, मेरा पहला फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा क्या, वो सभी बातें क्योंकि छोटे जिनको पता नहीं होती उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है बातें। बहुत से कमेंट ऐसे आते हैं कि सर आप ये हमें क्या बता रहे हो, तो हमें पता है, लेकिन आपको ये पता है 50% को पता है, 60% 70% को पता है, लेकिन जो 10% 20% और 30% को जो नहीं पता है
उनसे पूछिए कि उन पर क्या बीतती है। उनको बाद में यदि पता चलता है कि मैं हिंदी से भी फॉर्म लगा सकती थी, मैं हिंदी से भी फॉर्म लगा सकता था, ठीक है, मैं संस्कृत से भी लगा सकता था, तक मैं 3 साल संस्कृत रही है या मुझे पता ही नहीं था कि मैं लगा सकता हूँ या नहीं लगा सकता, तो उनके लिए सोचिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो जहाँ तक है सभी के लिए वीडियो बनता है, केवल विशेष रूप से कुछ बंदों के लिए नहीं, ठीक है। तो आप कॉमर्स हैं तो SST से हो जाएगा। अब बात करते हैं केवल आर्ट्स वालों की, देखिए, ठीक है, आर्ट्स में जो आपके सब्जेक्ट हैं, जैसे बहुत सेगमेंट हैं, लगभग ये है कि आपके सामाजिक के सब्जेक्ट मैंने बता दिए दो वीडियो पीछे से, साइंस मैथ में जो सब्जेक्ट है आप सभी को पता है क्या क्या, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, कृषि विज्ञान, वो सभी इसमें आ जाएंगे। उनमें आपके कोई भी एक सब्जेक्ट है तो आप गणित विज्ञान से 3 साल तक वो लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए SST में वो अलग अलग सब्जेक्ट है, लोक प्रशासन है, राजनीति विज्ञान, भूगोल है, आपके जो भी सब्जेक्ट में आते हैं, ठीक है, उनमें से यदि आपके स्नातक में एक ही सब्जेक्ट, उनमें से केवल एक ही सब्जेक्ट है तो आप SST का तो लगा सकते ही हैं। उनके साथ यदि आपके एक इतिहास है, ठीक है, इतिहास के साथ में आपके कोई हिंदी या अंग्रेजी, ठीक है, संस्कृत, उर्दू आदि हैं, ठीक है, तो अब देखिए, अब जो एक साल की आती है हिंदी अनिवार्य है, अंग्रेजी अनिवार्य है, ठीक है, उसकी बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा, वो केवल हमारे राजस्थान से बाहर तो 3 साल तक चलती है, वो 3 साल वाले जो यहाँ पे चलती है अनिवार्य, वो फॉर्म भी लगा सकते हैं, ठीक है, मान्य होगा कि नहीं होगा वो आगे की बात है, लेकिन फॉर्म आप लगाइए जिनके 3 साल अनिवार्य रही है, हरियाणा पंजाब आदि में चलती है। लेकिन जहाँ राजस्थान की बात करें तो हिंदी हमारे अनिवार्य और अंग्रेजी अनिवार्य जो दो चलती है वो केवल 1 साल तक चलती है, उससे आप फॉर्म नहीं लगा सकते एक लिए। लेकिन आपने हिंदी साहित्य का, व्याकरण का, अंग्रेजी का, संस्कृत का, उर्दू का यदि आपने 3 साल तक, 3 साल तक ऐच्छिक विषय के रूप में आपने अध्ययन किया है, ठीक है, तो SST का एक आपने अलग लगा दिया। जहाँ पर SSORD खोलते हैं, रिक्रूटमेंट में खोलते हैं, तो अलग अलग फॉर्म आएंगे आपके सामने, NON-TSP हिंदी, NON-TSP SST, NON-TSP संस्कृत, आप वो आराम से देख कर ही फॉर्म भरें कि मैं NON-TSP का भर रहा हूँ, मैं TSP का भर रहा हूँ, मैं किस सब्जेक्ट का भर रहा हूँ, वो आप एकदम आराम से देख कर ही भरें। और सबसे बड़ी बात, जहाँ तक हो सके गलती करने की बात मत करना, आराम से एक बार पूरा फॉर्म भर लिया, प्रिंट निकाल लीजिए, फाइनल सबमिट करने से पहले उसका प्रिंट निकाल लीजिए, पूरी डिटेल एकदम आराम से चेक कर लीजिए, एकदम सही है डिटेल पूरी, मैं किस सब्जेक्ट का भर रहा हूँ, पूरी पूरी आपकी सब्जेक्ट आ जाएगी, वो सब्जेक्ट देख लीजिए, आप डिटेल देख लीजिए पूरी, पूरी देखने के बाद ही आप चालान कटवाएं, ऑनलाइन होगा, इस प्रकार से आप फाइनल सबमिट करें। तो अब बात करें 3 साल तक आपकी ऐसी विषय रही है, ठीक है, जो भाषा रूप में आपके सब्जेक्ट हैं, तो आपके जैसे स्नातक में आपके इतिहास हिंदी या अंग्रेजी रहेगी, इतिहास भूगोल संस्कृत रहेगी, इतिहास राजनीति विज्ञान, आपके जो भी 2 सब्जेक्ट सामाजिक या 1 सब्जेक्ट सामाजिक का हो, ठीक है, उनमें से 1 सब्जेक्ट इनमें हो, इनके अलावा जो भी इनमें है आपके जैसे SST हिंदी संस्कृत है। अब यहाँ पे भाषा की बात, एक छोटी सी एक शर्त आ जाती है कि आपके जिस भाषा में आप 3 साल तक आपके स्नातक में रहिए वो भाषा आपके रीट में भी होनी चाहिए, रीट भाषा फर्स्ट या सेकंड के रूप में होनी चाहिए, सीधी सी बात है। यहाँ पर आप तभी भाषा का फॉर्म लगा सकते हैं जब आपके स्नातक में वो भाषा रही है, 3 साल तक आपके स्नातक में रही है और आपके रीट में भी वो भाषा के रूप में रही है, तो ये भी जरूरी है। और SST में आपकी यदि उनमें से कोई भी 1 सब्जेक्ट है तो आप, तो उन दोनों का आपको अलग अलग 2 या 3 हो, ठीक है, तो आप अलग अलग लगाना होगा। मेरे में बात करूँ तो मेरे लोक प्रशासन भी थी, ठीक है, मेरे हिंदी भी थी, हिंदी साहित्य 3 साल तक, तो मेरे 3 साल तक संस्कृत भी थी, तो मैंने 3 अलग अलग फॉर्म लगाए थे, ठीक है, और 126 नंबर 2018 वाले में थे और तीनों से मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो उस आधार पर आप जहाँ पे अलग अलग जिले आपको मिल जाएंगे, मेरिट के आधार पर मिल जाएंगे, वो भी बात आराम से अगले वीडियो में कर लेंगे, किस आधार पर आपको जिले मिलने हैं, किस आधार पर नहीं, तो नो टेंशन रहिए, आप तीनों फॉर्म आप अलग अलग आधार पर आप लगा सकते हैं, क्योंकि क्या पता आपके इसकी मेरिट ज़्यादा जाए, इसकी कम जाए, तो आपका इससे सिलेक्शन नहीं हो तो इससे हो जाए, तो आपको सभी फॉर्म लगाने हैं आपके जो स्नातक में सब्जेक्ट रहिए। एक बात तो हो गई है, ठीक है, अब मेरे हिसाब से सब्जेक्ट को लेकर कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए, और लगभग आप सभी ने फॉर्म लगा भी दिया होगा। फॉर्म मिस्टेक को लेकर बात करते हैं, ठीक है, फॉर्म मिस्टेक यदि आपके हो गई है तो कैसे भरें दोबारा फॉर्म, ऑलरेडी आ रहा है, हम दोबारा जब यहाँ पर उसी SSORD से भरते हैं तो ऑलरेडी आ रहा है। न्यू SSORD की बात करें, आधार नंबर की बात करें, ठीक है, और एक विषय फॉर्म में गलती हो गई, तो क्या सभी विषय का दोबारा लगाना पड़ेगा, ठीक है, अंतिम फॉर्म मान्य होगा किस आधार पर, तो देखिए हम बात करते हैं कैसे भरें दोबारा। तो सीधी बात है, आपको न्यू SSORD बनानी होगी, तो SSORD कैसे बनेगी, नहीं सीधी सी बात है, या तो आप नई gmail ID से बना लीजिए, email ID आपकी जो है वो आप, यदि आपके पास एक email ID है तो नई email ID बना लीजिए, 2 मिनट आपको लगते हैं, गूगल पे जाइए, न्यू gmail बना लीजिए और वहाँ से आप न्यू gmail के माध्यम से न्यू SSORD आप वहाँ पे बना सकते हैं। एक आपको तरीका बताऊँ सीधा, बहुत ही अच्छा तरीका है SSORD के बनाने का,
आप जिन आधार आईडी से भी आप न्यू एसएसओ आईडी बना सकते हैं, वो सबसे सिक्योर भी रहती है और कभी भी हम भूल जाएं तो आधार कार्ड नंबर लगाने से आदि से वो ओपन हो जाती है। तो आप एसएसओ आईडी जो नई है वो नई जीमेल से या जन आधार से आदि से बना सकते हैं। तो आपको नई एसएसओ बनानी है, क्योंकि दोस्तों 2018 मेरे भी कुछ मिस्टेक हो गई थी और मैंने न्यू एसएसओ आईडी, जहां तक मुझे पता है, न्यू एसएसओ आईडी बनाकर मैंने दोबारा अप्लाई किया था। ठीक है, तो आप दोबारा न्यू एसएसओ आईडी के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उसी एसएसओ आईडी से हम करेंगे तो ऑलरेडी फॉर्म सबमिट का आपको इस प्रकार का ऑप्शन आएगा, वो दोबारा नहीं भरा जाएगा। आधार नंबर अभी एक कन्फ्यूज मेरे भी है अभी, ठीक है, आधार नंबर ऑलरेडी आएंगे क्योंकि अब की बार आधार में है वो स्टार लगा हुआ है। मतलब स्टार का मतलब क्या है कि आपको आधार नंबर अपडेट करनी ही होंगे, आधार नंबर आपको फॉर्म में बने ही होंगे, इसलिए अभी मैंने दोबारा फॉर्म भर के नहीं देखा इस बार। ठीक है, तो मैं इसी का भी जो हमारे मित्र हैं इसमें मैं दोबारा फॉर्म एक बार भर के देख लूँगा कि यदि हम उसी आधार नंबर से दोबारा फॉर्म लगाते हैं तो वो आधार नंबर लेता है या नहीं, ऑलरेडी बताता है या नहीं, वो एक छोटी सी मैं आपको चेक करके बता दूंगा। आधार नंबर वो थोड़ा सा अभी कन्फ्यूज में है। तो आपको ये तो तय है कि न्यू एसएसओ आईडी के माध्यम से ही फॉर्म भरना होगा, इसमें कोई संशोधन मेरे हिसाब से हो सकता है। आधार नंबर नहीं ले तो आप 2-4 दिन रुकिए, अभी 30 जनवरी के आसपास तक आप रुक सकते हैं, आराम से इसके आसपास आपके न्यू अपडेट आ सकते हैं, न्यू फॉर्म या आपकी कुछ मिस्टेक हो गई है उसी फॉर्म में संशोधन करवाना है या नया भरना है, आप 5-7 दिन रुक सकते हैं। यदि नहीं आता है तो आप नई एसएसओ आईडी बना लीजिए और आराम से फॉर्म भर दीजिए। आप भी चेक कर सकते हैं, नई एसएसओ आईडी बनाइए और दोबारा आपके आधार नंबर ले रहा है तो आराम से भर दीजिए, नहीं ले रहा है तो एक बार रुक जाइए क्या अपडेट आती है क्या नहीं। एक छोटी सी बात है, एक विषय, अब देखिए बहुत बड़ी बात है, एक विषय फॉर्म में गलती हो गई। अब जैसे आपके हिंदी से भी आपने फॉर्म लगा दिया, एसएसटी से भी लगा दिया, जो आपके कमेंट आया था कि मैं एसएसटी का फॉर्म भर चुकी हूँ, क्या मैं अब 2 दिन बाद में हिंदी का भर दूँ, मेरा जो लास्ट पहले फॉर्म था एसएसटी का वो रिजेक्ट नहीं हो जाएगा, क्योंकि विज्ञप्ति में लिखा हुआ है कि अंतिम फॉर्म मान्य होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, एक विषय का आप यदि आप नॉन टीएसपी से हिंदी से लगाते हैं तो हिंदी नॉन टीएसपी से आप बार बार 2 बार फॉर्म लगाते हैं या 3 बार लगाते हैं उस गलती होने के कारण, तो जो अंतिम फॉर्म होगा वही मान्य होगा। आपने एसएसटी में आपने फॉर्म भर दिया, हिंदी में भर दिया, तो हिंदी वाले में यदि आपकी मिस्टेक हो गई है तो आपको हिंदी वाला ही दोबारा भरना है, एसएसटी वाला दोबारा भरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो जो आप जिस सब्जेक्ट का दोबारा भरेंगे वही अंतिम रूप से जो भरेंगे वो मान्य होगा। आपको दोबारा जैसे आपके इस एसएसटी में गलती नहीं हुई है, हिंदी वाले में हुई है, नहीं एसएसओ आईडी के माध्यम से केवल आपको हिंदी का ही फॉर्म भरना है, दोबारा एसएसटी का नहीं। ठीक है, तो अंतिम फॉर्म कौन सा मान्य होगा, जिस सब्जेक्ट का आप दोबारा भर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट का है तो कोई दिक्कत नहीं, आप 2 भरिए या 3 भरिए, जो अंतिम भर रहे हैं तो सब्जेक्ट के आधार पर नहीं, आपके वो फॉर्म के आधार पर ही होगा, स्नातक के विषय के आधार पर ही। ठीक है साथियों, जितनी मुझे जानकारी थी मैंने आपको देने की कोशिश की, कुछ इसमें यदि संशोधन आता है, ठीक है, वो मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन से भी बता दूंगा किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है, न्यू एसएसओ आईडी कैसे बनानी है समय मिलते ही। तो इनके अलावा कोई आपके कन्फ्यूज है, थोड़ी सी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, दवाइयाँ चल रही है, तो जैसे ही वो कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। इनके अलावा कोई आपके कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई ऐसे साथी हैं जिन्होंने नया की बार 2021 रीड 2021 का नया फॉर्म इस 2022 में भर लिया है, तो वो एक बार कमेंट जरूर करके बताएं कि मैंने फॉर्म भर लिया और नया आधार आदि से कोई अपडेट है तो आप बता सकते हैं, क्योंकि सभी मुझे ही पता हो ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा तो है नहीं कि 100% मुझे मैं जानता हूं। आप जैसा ही मैं हूं, थोड़ा सा अनुभव ज्यादा है वो अलग बात है, लेकिन आप भी मेरे से बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत अच्छा जानते हैं इस ऑनलाइन फॉर्म को लेकर, हो तो आपको ऐसा कुछ मालूम हो तो आप निश्चिंत बता दीजिए, क्योंकि जानकारी कहीं से भी पता हो, छोटे से मालूम हो बड़े से जानकारी पता हो, वहाँ हमें सीख लेनी चाहिए। ठीक है, तो निश्चिंत रहिए साथियों, बने रहिए, आप जिस स्थान पर हैं यकीन मानिए आप सही जगह है। इनके अलावा कोई आपका कन्फ्यूज चल रही है तो कमेंट कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर सर्च कीजिए अपने कलम अपने आज, हमारे इंस्टाग्राम आईडी, आप सभी को बहुत से साथी वहाँ पर जुड़ रहे हैं, मुझे खुशी भी है कि इतने साथी वहाँ पर इंस्टाग्राम पर जाके मुझे सर्च करके जुड़ रहे हैं। मैं जहाँ तक जैसे समय मिल रहा है बहुत से साथियों कमेंट आ रहे हैं, सर आप रिप्लाई नहीं कर रहे, जैसे समय मिल रहा है तो मैं वहाँ पर भी रिप्लाई कर रहा हूँ आपके, जो मेरे लेवल का जो जानकारी है, जो मेरे लेवल की जानकारी है जितना मुझे पता है अभी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जितनी मुझे पता है वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अंतिम निर्णय जो होगा बीकानेर निदेशालय का वही मान्य होगा। ठीक है, जो जो अपडेट हमें मिलती है हम आप तक बताते रहते हैं। ईडब्ल्यूएस को लेकर जैसे महिलाओं का कल आ गया था कि ईडब्ल्यूएस पति का हो या पिता का हो दोनों मान्य होगा ईडब्ल्यूएस वालों का, तो इस प्रकार से बने रहिए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट स्टूडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।